Question number 13. Miscellaneous expenses. It is question number 13. Kehta hai if ye situation de rakhi hai, kehta hai show that A, B, C, R, D, R and G, P. Yani A plus BX over A minus BX is equal to B plus CX B minus BX C plus DX over C minus DX. X is not equal to 0. Let us show that A, B, C, D are in GP. जब प्लस वाला और माइनस वाला सट कट दिया तो कंपोनेंट और डिविडेंडो यूज करते हैं, ठीक है ना? लिखेंगे यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. क्या होता है? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर. ऊपर बचा 2a, नीचे बचा 2b, ठीक है जी? यहाँ बचा 2b और नीचे बचा 2b, यहाँ बचा 2c और नीचे बचा 2b. पता क्या जी आप? कॉमन पोर्शन वैसे ही हटा दूँ. बचा क्या? a by b is equal to b by c is equal to c by d. अब इसका रिवर्स करते हैं. तो b by a is equal to c by b is equal to d by c. अगर a b c d are in GP हैं, तो ये कंडीशन लगनी चाहिए. b by a is equal to c by b is equal to d by c. Therefore, a b c d are in GP. ये किसमें है?
ठीक है जी, अगला बढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेना। ध्यान से, लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से बोलना। लेट एस बी द सम, एस क्या है सम, यानी ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर टू अप टू एच। अगर आप इसको सम लेते हैं तो ये आप सीधा फॉर्मूला लिखो, एस बी द सम, आर हमने क्या मान लिया ग्रेटर देन वन, ठीक है। अच्छा पी इज द प्रोडक्ट, पी इज द प्रोडक्ट ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर एन माइनस वन, तो यानी ए की पावर एन होगी, आर की पावर वन प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन माइनस वन। क्वेश्चन को सजाना पड़ता है, ये क्या बन गया सिग्मा एन माइनस वन, सिग्मा एन क्या बताया हुआ मैंने आपको, एन एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, आपको चाहिए सिग्मा एन माइनस वन, एन की जगह क्या रखो दोनों तरफ एन माइनस वन। पॉइंट समझ में आया, ये सिग्मा एन माइनस वन तैयार हो, ठीक है जी, ठीक है। आर ठीक है जी, ये हो गया आर सम ऑफ रेसिप्रोक, यानी वन अपॉन ए, वन अपॉन ए आर, वन अपॉन ए आर स्क्वायर, वन अपॉन ए आर एन माइनस वन, ठीक है। अब इसमें अगर आर ग्रेटर देन वन है रेसिप्रोकल में क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, तो आर क्या हो जाएगा लेस देन वन, आर क्या हो जाएगा लेस देन वन। तो सम क्या होता है, फर्स्ट टर्म वन माइनस वन बाय आर रहेगा, वो आपका आर क्या हो जाएगा वन बाय आर, वन माइनस वन बाय आर। ये हमने तैयारी कर लीजिए सारी, और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो कर लो। ठीक है जी, गॉट इट। प्रूव क्या करना है, पी स्क्वायर पी स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चनों का चांस बहुत ज्यादा रहता है ना, ठीक है ना, आर की पावर एन इक्वल टू एस की पावर एन, पी भी तैयार है, एस भी तैयार है, आर भी तैयार है, ठीक है जी। सबसे पहले ले लो एल एच एस, पी पी आपका ये है, तो पी स्क्वायर क्या होगा इस पूरे के ऊपर पावर आ जाएगी टू, और आर आपका ये है वन बाय ए जी, और एस क्या है आपका ये, एस तो बहुत इजी है, ठीक है जी, और सारा सिंप्लीफिकेशन, ये हो जाएगा ए की पावर टू है, ये हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई होती है ना आपस में, टू से टू कट जाएगा, ये बचा ए की पावर है पावर मल्टीप्लाई हो गई, पावर अपन में क्या होती है मल्टीप्लाई, एन एन क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, और नीचे क्या आर की पावर एन, ये भी कट गया आपस में, सॉरी ये कट गया आपस में, ए की पावर टू एन में से एन गया तो क्या बचा ए की पावर एन, ठीक है। ये हो गया आर की पावर एन स्क्वायर माइनस एन, आर एन माइनस वन की पावर एन ओवर आर एन स्क्वायर, ये पलटी मार के नीचे आ जाएगा आर माइनस वन की पावर, ठीक है जी। लो कहानी बढ़ाते हैं आगे, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऊपर आके माइनस माइनस प्लस कट गया, ठीक है,
क्या बचा, a की पावर n r की पावर माइनस n। ठीक है, ये होगा a की पावर n r की पावर, ये तो आंसर है। टैली करा, ये आ गया, ये आ गया इसकी पावर n का, और नीचे r, एक r की पावर n अभी भी बच रही है। ठीक है ना, चेक कर लो, एक 2n आर बचा ना, ये क्या बचा आर, एक्चुअली में यहां गलती है। ठीक है, आर की पावर आर, नहीं ठीक है, पूरे पेन है ना ये पूरा, ये इससे मर्ज हो गया, खत्म हो गया। स्क्वायर आर पावर एन एक्स की पावर एस है आपका, एक की पावर एन आर एक्स कर लो, ये आ गया हमारे पास, ये भी आ गया, ये भी आ गया बच्चा, ये एक्स्ट्रा बच गया ना, ये दिक्कत है, करो नोट पे बात की पावर एन, नीचे भी बचा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ठीक हो गया, वो देखने के लिए एक की पावर टू आर एन, लो जी ये ऐसे कट जाएगा, ये 2n में से an गया, an बचा। ठीक है, ये r स्क्वायर अगर आप इसको ऐसे देखो, r की पावर n स्क्वायर, नीचे r की पावर n, ठीक है, ये बचा r की पावर n माइनस 1 लिखा r n स्क्वायर, ये लिखा गया, थोड़ा देखने का, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, पहली कर क्या आर की पावर एन जो एन को ए की पावर एन एल एच एस इज इक्वल टू
ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन का ही खेल होता है, कैलकुलेशन पे ध्यान दो तो सब ठीक रहेगा। pth टर्म a के बराबर है, qth टर्म b के बराबर है और rth टर्म c के बराबर है। प्रूव करना है q माइनस आर ए आर माइनस पी बी, ठीक है ना, और p माइनस क्यू सी इज इक्वल टू लो जी। a क्या है, pth टर्म के बराबर है, यानी किसके बराबर हो गया, ए प्लस पी माइनस वन डी, ये हो गया ए। इसको ना ए बड़ा लो क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पर पी है, ठीक है ना, ए ए क्यू माइनस वन डी आर माइनस वन, ठीक है ना, वो किसके बराबर है, ए के वो इसके बराबर है, बी के वो किसके बराबर है, सी के। सिंपली यहाँ पुट करो क्यू माइनस ए आर क्या, ठीक है ना, ए प्लस अब क्या सारे को खोलोगे और जीरो हो जाएगा। ठीक है जी, खोल दो सारे को, जब सारे को ओपन करोगे तो करके देखो सारा कट कट आगे क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा सी। सारे खोल लो बेटा, पहले क्यू से मल्टीप्लाई होगा, क्यू ए पी क्यू डी माइनस डी क्यू माइनस आर ए प्लस पी डी आर सॉरी माइनस पी डी आर प्लस आर, ठीक है, सिमिलरली आर ए क्यू डी आर और माइनस माइनस पी ए माइनस पी क्यू डी प्लस डी सी पी ए प्लस पी आर डी माइनस पी डी माइनस क्यू ए माइनस क्यू आर डी प्लस क्यू, सारे आपस में कट जाएंगे और क्या आ जाएगा, जैसे क्यू ए कट रहा है देखो कहीं ये इससे कट रहा है, ठीक है ना, सारे आपस में फिनिश हो जाएंगे, आधे नेगेटिव है आधे पॉजिटिव है, सारे क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, आंसर क्या हो गया इसी।
question number 60. The if A like that. ये कहता है ये R is AP में, ये सारा का सारा किसमें है AP में, ठीक है. Show that A, B and C are also in AP. Also in, ठीक है जी. करो अंदर ही अंदर सॉल्व करते हैं. ध्यान से देखो, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा B, नीचे क्या आ जाएगा B. इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ए सी प्लस ए बी अपॉन बी सी, ठीक है. बी ए प्लस बी सी अपॉन सी. अब एपी में कुछ जोड़ेंगे ना सेम कॉमन नंबर, तो वो एपी ही रहती है. देखेंगे एड वन टू, सब में वन जोड़ देते हैं, ठीक है. कॉमन पार्ट रिमूव कर दोगे तब भी वो एपी रहेगा, ठीक है ना. डिवाइड ऑल विद ए बी प्लस बी सी प्लस सी, क्या बचा, वन अपॉन बी सी, वन अपॉन सी ए, वन अपॉन ए बी, ठीक है जी. ठीक है, मतलब एपी में से कुछ भी निकलेगा, प्लस करके, माइनस करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सब एपी ही रहेगा. And now multiply all with A, B, C. क्या बचा यहाँ पर, A यहाँ क्या बचा, B यहाँ क्या बचा, C. So A, B and C are also in AP, are also in AP. ये भी किसमें आ जाएंगे, AP.
मिसलेनियस भी थी, तीन क्लासेस लग गए थे मिसलेनियस खत्म करने में, काफी क्वेश्चन है ना। मतलब देखो कितने उन्होंने क्वेश्चन भरे हैं, वो ना नॉलेज आपकी कंप्लीट करना चाहते हैं। टाइप्स प्लस ये अच्छे से कैप्चर कर लो बहुत होता है, कोई क्वेश्चन तो कितने आने होते हैं, दो तीन ही आने होते हैं, इतना पढ़ने के बाद तो वो आ ही जाता है। हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ए बी सी डी आर इन जी पी क्वेश्चन है 17। And the orange show that a की power n plus b की power n b plus c की power n b plus n b की power n r n g p, ये भी किसमें है r n g p। यानी ये प्रूव होना चाहिए सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। वो तो आप किसी भी दो को चूज कर सकते हो ना, जिससे कि आपको रिलेशनशिप प्रूव करना। अब ऐसे तो कुछ समझ आएगा नहीं, अगर ये जीपी में है तो ए को ए मान लेते हैं, ठीक है, बी को ए आर, सी को ए आर स्क्वेयर और डी को ए आर क्यू। बी हो गया आपका ए आर की पावर एन, सी क्या हो गया ए आर स्क्वेयर की पावर एन, ये तो ए की पावर एन है ही है, बी ए आर की पावर एन आउच, सी ए आर स्क्वेयर की पावर एन, डी क्या है ए आर क्यूब की पावर एन, B क्या है ए आर की पावर एन, सी क्या है ए आर स्क्वायर की पावर एन, ये हो गया ए की पावर एन आर की पावर एन, ए की पावर एन आर की पावर टू। ठीक है जी, ए की पावर एन कॉमन है और अंदर से आर की पावर एन भी कॉमन आ सकती है। ठीक है जी, अंदर ही अंदर क्या बचा, यहां बचा वन और यहां बचा आर की पावर एन, तो टू एन में से एक एन बाहर आ गया, नीचे से क्या कॉमन आएगा ए की पावर एन और यहां बचा वन यहां बचा आर की पावर एन, ये तो आपस में कैंसिल, ए की पावर ए की पावर एन भी कैंसिल, इधर आ जाओ इस तरफ भी ए की पावर एन कॉमन आ जाएगा, R की पावर 2n कॉमन आ गया 1 और यहां बचा R की पावर n, नीचे भी a की पावर n कॉमन आ गया और R की पावर n, लो जी यहां भी बचा, ये भी आपस में कट गए 2n में से n गया तो क्या है R की पावर n इज इक्वल टू R की पावर n, देयरफॉर दे आर आल्सो n gp, दे आर आल्सो n gp।
ठीक है जी, अब अगला क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है, थोड़ा ध्यान से पढ़ पढ़ इसको, तब तक मैं बता। क्वेश्चन नंबर ठीक है जी, कहता है इफ ए बी सी आर द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, A and B are root of equation x square minus 3x plus, ठीक, और C and D are the root of x square minus 12x plus q, roots of x square minus 12x plus q is equal to 0। अब आपको पता है sum of root क्या होता है, minus b over a, तो इसके root क्या है, a and b, a plus b, इसमें b हो गया ये और ये हो गया 3/1। product क्या होता है, यानी a into b, product होता है c by a, product क्या होता है c by a, जैसे सिखा रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लो जी ए बी पी बाय वन, सिचुएशन एक तैयार होगी हमारे सामने, एक ही सिचुएशन तैयार, यहाँ सी प्लस डी क्या हो जाएगा, माइनस 12/1, माइनस माइनस प्लस हो, और सी इंटू डी क्या हो जाएगा, क्यू बाय वन। व्हाट इट, इसने बोला है प्रूव करो, और क्या है वेयर ए बी सी डी आर इन जीपी, ए बी सी डी किसमें है, जीपी में, डी क्यू, ठीक है, और रेशियो का प्रूव करने को बोल गया था, शो दैट रेशियो क्यू प्लस पी ओवर क्यू माइनस पी, प्रूव करनी है कि रेशियो कितनी है, 17:15। क्यू किसके बराबर है, ध्यान से देखो, सी डी, पी किसके बराबर है, ए बी, सी डी माइनस ए बी। अच्छा जी, अब देखो ए तो ए ही है, सी क्या आपका ए आर स्क्वायर, सॉरी सी आपका ए आर स्क्वायर है, डी आपका क्या है, ए आर क्यू, ए क्या है ए, बी क्या है ए आर, ए आर स्क्वायर ए आर क्यू ए क्या हुआ, ए स्क्वायर आर फाइव प्लस ए स्क्वायर आर, और ए स्क्वायर कॉमन हो गया, आर फाइव प्लस आर बचा, और नीचे आर फाइव माइनस आर बचा, यानी आर फोर प्लस वन और आर फोर माइनस वन, ये रेशियो आ रही। अब जैसे तैसे करके हमें इसमें से R की वैल्यू देखनी है, R क्या है, अच्छा दे रखा ना, जैसे सिचुएशन समझो, जैसे A प्लस बी किसके बराबर है, 3 के, यानी A प्लस ए आर इज इक्वल टू 3, और ये क्या है, C प्लस डी, C यानी क्या हो गया, A R स्क्वायर A R क्यूब, ये किसके बराबर है, 12, क्योंकि C प्लस डी किसके बराबर है, 12, ठीक है जी, इसमें से कुछ क्रिएट कर लो तभी सिचुएशन सॉल्व होगी, ठीक है, लिखेंगे सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, ए प्लस ए आर, लो ये ऊपर से ले लो, ए कॉमन ले लो, आर कॉमन ले लो, आर स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस आर, नीचे से भी ए कॉमन ले लिया सिर्फ, ये भी हो गया 1 प्लस आर, और ए से ए कट गया, 1 प्लस आर उड़ गए, आर क्या हो गया प्लस माइनस 2, आर क्या हो गया प्लस माइनस, अब आर को वहां पे रिप्लेस कर दो तो रेशियो निकल आएगी, प्लस माइनस कर रखोगे आएगा तो 16 ही प्लस का, 16 प्लस 1 16 माइनस 1 17/15,
सुपर हिट क्वेश्चन है, ये प्रूव करना था हमने, ये क्या करना था, प्रूव, टू प्रूव, ठीक है जी। ऐसे क्वेश्चनों का चांस बहुत ज्यादा रहता है पेपर में, ध्यान रखते चलना। हाथ तो नहीं काटा मच्छरों ने, कल कल मच्छर थे ना सर, अब वो मैंने वो लगाया। पहले आर निकाल लेना, फिर अगली सिचुएशन में जाना, ठीक है ना, क्योंकि वहां जाके पता लगा आर चाहिए, आर के लिए फिर मैंने उन दोनों तरफ देखा, तब जाके वो सॉल्व। क्योंकि प्लस टू का भी 16 आएगा, माइनस टू का भी 16 आएगा। क्वेश्चन कॉपी में पढ़े रहेंगे तो बेकार है, अगर रिवाइज करते रहोगे तभी कमांड है, कमांड बनाने के लिए बहुत रिवाइज करना पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है जी। कहता द रेशियो ऑफ अर्थमेटिक मीन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर ए एंड बी इज इन द रेशियो ऑफ एम इज टू एन। कहता अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रेशियो है एम इज टू एन। वैसे ये क्वेश्चन करवा रखा होगा, जब हमने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन करे थे ना। लो जी, ए प्लस बी ओवर टू रूट ए बी, याद आया कुछ? यूजिंग कंपोनेंडो। अब देखो मैं भी चाहता ना टाइप करा के जान छुड़ा लेता अपनी, चले यार टाइप तो हो गया, खत्म हो गया मेरी। क्यों मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ? मास्टरी होती है, मास्टरी ऐसी होती है, ठीक है। लो जी, क्या होता है कंपोनेंडो डिविडेंडो? न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ओवर न्यूमरेटर माइनस। एम प्लस एन ओवर एम माइनस। ध्यान से देखो, ये रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर है। ठीक है जी, यानी रूट ए प्लस रूट बी, अगर स्क्वायर रूट उधर लेके जाऊंगा तो ऊपर तो सामने स्क्वायर रूट आ जाएगा। गॉट इट? अभी भी इनके रूट हटे नहीं है, जब तक ये अकेले नहीं हो जाते तब तक हमें इनको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर क्या बचा? ट्वाइस ऑफ रूट। नीचे क्या बचा? ट्वाइस ऑफ रूट। कट गया बस, अब उसका रूट हटाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, एक बार फिर वो करना पड़ेगा ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। ए प्लस बी प्लस टू ए बी, ठीक है। ठीक है जी, ऊपर बचा टू एम, ये होगा ट्वाइस ऑफ पावर से, मतलब बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। टीचरों के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये वाले, ठीक है जी। टू भी कॉमन लगा काट देंगे, ये रेशियो आ जाएगी। यही उसने आंसर पूछा, द सेम आंसर ही आस्क्ड फॉर।
मैथ में 78 की मार्क्स लेने तो बहुत ही इजी है। हाँ 90 के बाद थोड़ा आगे जाना मुश्किल होता है क्योंकि बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं। उन बच्चों में रहने तो जो फेल हो जाते हैं, अरे फेल होने का तो कोई चक्कर ही नहीं है, अगर आपने रेगुलर रिवाइज की तो 56 के मार्क्स बड़े आराम से आए थे। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। टीचर तो अच्छे से एक बार करवा देगा अगर आप रेगुलर देखते हो, क्योंकि जितना रिवाइज करोगे ना अपना दिमाग भी मैच्योर हो जाता है यार, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कौन सा अनइम्पॉर्टेंट, और हमें उस लेवल तक पहुंचना बहुत जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए कौन सा, अपने आप ही पता हो। बच्चे मेरे से पूछते हैं कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अरे अपने आप इतने जब रिवाइज करोगे ना 70% क्वेश्चन तो बड़े सिंपल ही होते हैं जो होते चले जाते हैं। आओ जी दो सिचुएशन दे रखी है क्वेश्चन नंबर 20 में, ए बी सी आर एन ए पी, बी सी डी आर एन जीपी। ठीक है जी, कहता प्रूव दैट, अच्छा 1/C 1/D, तीन सिचुएशन दे रखी देखा जाए, ठीक है ना, 1/B 1/C सर 1/CDE RN GP, ये किसमें है AP में, सॉरी प्रूव दैट ACERNGP ABCRNAP यानी B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, वाई सो B इज इक्वल टू C प्लस A, B क्या होगा C प्लस A बाय BCDRNGP यानी
सी बाय बी इज इक्वल डी बाय सी, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी। और ये भी किसमें है, एपी में, यानी सी माइनस डी ओवर सी डी, डी माइनस ई ओवर सी डी। ये कट गया, सी माइनस डी ओवर सी, यानी सी माइनस डी इज इक्वल टू सी डी माइनस सी ट्वाइस ऑफ सी ई इज इक्वल टू सी डी प्लस डी। सी किसके बराबर आ गया आपका, सी डी प्लस डी अपॉन टू, यानी कुछ भी निकाल लो उसमें, बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पुट करने के लिए, सी की भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। सी हो गया सी डी प्लस डी ई अपॉन टू। अच्छा चलते हैं आगे, ये तो प्रूव करना है। खैर एज वी नो सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सी क्या आपका ये आ गया सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, किस किस नाम से निकल सकता है, ऐसा करो डी निकाल लो यहां, ठीक है देखते हैं। C प्लस ई सी ई, अब इंडिविजुअली डी भी आ गया और इंडिविजुअली बी भी आ गया, ठीक है। सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी, बी की वैल्यू क्या है सी प्लस ए बाय टू, डी की वैल्यू क्या है सी ई ओवर सी प्लस, एक सी से सी कट जाएगा ये, सी इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन टू सी प्लस, लो सी सी प्लस ई सी ए अपॉन टू सी स्क्वायर प्लस सी ई इज इक्वल टू सी ई प्लस ए अपॉन टू, यानी ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर ट्वाइस ऑफ सी ई इज इक्वल टू सी ई प्लस ए, यानी ट्वाइस ऑफ सी स्क्वायर, ये एक चला गया यहाँ का बचा सी, यहाँ अगर हो गया सी, अगर कॉमन ले लें तो अंदर ही अंदर क्या बचेगा टू सी प्लस ई ए, तो सी हो गया ओवर टू सी प्लस ई। हमें प्रूफ क्या करना है, सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए सी माइनस इक्वल टू ई माइनस सी, यानी ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू सी माइनस क्या है ई माइनस ए इज इक्वल टू ई माइनस सी, ट्वाइस ऑफ सी इज इक्वल टू ई प्लस ए, ये प्रूव करना है हमने, ठीक है ना। अब देखो इससे हो जाएगा प्रूफ, चेक कर लेते हैं एक बार, सी ए ई टू सी टू को यहीं रखा सी प्लस ई लो जी, आंसर में हमें आना चाहिए सी की वैल्यू चाहिए, डी की वैल्यू है ये तो यूज ही नहीं हुई ना, ये भी देखो एक मिनट, सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी यूज तो हुई थी, इसको क्या कर लो, वन बाय डी माइनस वन बाय सी वन बाय डी माइनस वन बाय d माइनस डी डी माइनस ई, डी से डी कट गया यहाँ बचा सी, बचा सी
चीज डबल हो रही है, सी डी प्लस डी, सी डी प्लस डी, डी आ गया सी ओवर सी प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, ई बच्चा ए से मल्टीप्लाई है सी से गया। सी ए प्लस ए ओवर ट्वाइस ऑफ सी, सी स्क्वायर प्लस सी ई टू सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस सी, ए माइनस सी ओवर कर, नोट कर यहां तक देखो मैं क्या गलती कर दी ना, तू कहां चला गया यहां से, ये लो ट्वाइस ऑफ सी, दिस सी क्या हो गया डिवाइडेड बाय टू, डिवाइडेड बाय टू ये हो जाएगा टू सी, डी की वैल्यू गलत रख दी ना हमने, ये टू से टू भी कट गया ठीक है ना, टू तो फिनिश हो गया, लिखने में गलत हो गया आंसर आ जाएगा। थोड़ा देख जल्दबाजी में ना गड़बड़ी, लो जी सी स्क्वायर सी इज इक्वल टू सी प्लस ए ओवर सी माइनस, पर ई भी यहाँ बचता है, सी स्क्वायर प्लस सी सी प्लस ए, क्या वो तो कट ही गया ना ऊपर, वो तो कट तीनों टू कहां से, दो ही टू है ना तीन, टू सी तो ये इससे टू से, वो तो अब आया ना भाई, आपने टू को यहां भेजा सी प्लस सी को नीचे भेजा, टू सी ई ये टू ने टू को काट दिया ठीक है, यहां सी प्लस ए बचा नीचे सी प्लस ई भी बचा ऊपर, कौन सा ये सी है यार, एक सी ने सी को काट दिया ना ठीक है जी, सी प्लस ई बचा नीचे, डी की वैल्यू ठीक निकाली हमने, टू सी ई अपॉन सी प्लस ए, ये टू यहां पे भी तो था ना एक, हाँ उसको ले गए नीचे, c की वैल्यू आ गई है, हमें चाहिए था d, 2c ओवर c प्लस ए, c स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी, सी प्लस ए बाय टू वो हो गया ट्वाइस ऑफ c ओवर c प्लस ई, टू से टू कट गया, एक c से c कट गया, वे c स्क्वायर से रख के देंगे, तो c स्क्वायर c प्लस ए c e ओवर c प्लस सी स्क्वायर ई सी कॉमन ले लो, सी कॉमन ले लें अगर, सी से सी कट जाएगा, यहाँ का बचेगा सी, यहाँ का बचेगा ए, और ये बचा सी प्लस सी से सी कट हो गया, सी स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू सी ए प्लस ए, सी सी कट गया, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई। अच्छा इसने प्रूव करना है जीपी में, एफ पी लिख रहा हूँ ना, ये भी तो गलत आ तो गया,
ठीक तो है, प्रूफ क्या करना है जीपी में, तो सी बाय ए इज इक्वल टू ई बाय सी, देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये लो ठीक है। लिखने में वो मैंने जीपी लिख दिया ना, एपी से कर दिया ना वो गड़बड़,